हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और इसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक फोर्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम कुछ लेक्चर ले चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, मतलब बलों का त्रिभुज का नियम। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चलिए अभी ये टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है बलों का त्रिभुज का नियम। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या होती है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको हल्के में ले लें। क्या होता है, जब किसी पिंड पर, पिंड ले लो या वस्तु ले लो, किसी बॉडी ले लो, किसी पिंड पर कोई दो संगामी बल इस प्रकार लग रहे हो, कि दोनों बल त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सकते हो, तो उनका विकर्ण, उन बलों का परिणामी तथा दिशा को निरूपित करेगा, ठीक है। दिशा, विकर्ण के विपरीत होती है, ये चीज ध्यान रखने वाली होती है, ठीक है। कैसे होती है, अब मैं चित्र बनाकर बताता हूं। देखो, मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, विकर्ण लो, या फिर ऐसे लिखो, विकर्ण तो चतुर्भुज में होता है, यहां पर हम लेंगे तीसरी भुजा, उन बलों का परिणाम स्थल दिशा को निरूपित करेगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास में ये कोई त्रिभुज है, इसमें एक बल F1 ये लगा हुआ है, दूसरा बल F2 ये लगा हुआ है, तो इसका परिणाम बल होगा R, ठीक है, और इसके विपरीत दिशा में होगा। इसको हम सीधे सीधे समझ सकते हैं। देखो, यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ये कोण है अल्फा, और ये जो बचा हुआ है इसको मान लेते हैं थीटा। तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में अल्फा माइनस थीटा कोण, ठीक है। तो अपने पास में ये कोण कितना बचेगा, ये कोण बचेगा हमारे पास में एक तरीके से, इन तीनों कोणों का योग हमारे पास में होता है 180 डिग्री। तो आप अगर इनको लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180, 180 में थीटा मतलब 180 में से ये कोण बच जाएगा, तो ये कोण बचेगा। अब यहां पर हम साइन का नियम लगाने पर, साइन रूल लगाने पर, ये साइन रूल होता क्या है, तो यहां पर हम लेंगे पहले बल F1, इसके बटे में, इसके बगल में से दोनों भुजाएं हैं, इसके सामने का जो कोण बना हुआ है वो कितना है, साइन अल्फा माइनस थीटा, इस तरह से। इसके बराबर होगा दूसरा बल क्या है, F2, है इसके सामने कोण कितना बना हुआ है, अल्फा, तो ये हो जाएगा इसके नीचे साइन अल्फा। तीसरा R है तीसरा, इसके सामने कोण है पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस
थीटा। तो ये हमारा त्रिभुज का नियम है, ठीक है, इतना सा ही नियम है त्रिभुज का नियम। इससे हम कुछ सवाल हल करेंगे जब हमारे कुछ न्यूमेरिकल आगे आएंगे, अभी हम थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, धन्यवाद।